Hello, everyone, and most welcome in the uh, Magic of History by Sumit Kumar Suravansi. And this is basically our chapter, Nationalism in India, related to class 10 CBSC. Uh, today, we are going to discuss, uh, this chapter is also very important for uh, purpose of NTSC, but uh, right now, I am making it for CBSC. Literally, I will discuss according to the NTSC also.

एकता को डिस्कवर करने लगे थे द प्रेशन अंडर दी अलाइन रूल अलाइन रूल बेसिकली मतलब यहाँ ब्रिटिश रूल से जितने भी कंट्रीज थे उनके ऊपर जो कंट्रोल चल रहा था उसने कहीं ना कहीं नेशनलिज्म के अपनी नेशन के प्रति जो बॉन्ड है उसको इंक्रीज़ किया और इसी वजह से डिफरेंट नेशंस बने डिफरेंट तरीके का नेशनलिज्म आया लोगों ने डिफरेंट तरीके से अपनी फ्रीडम की बात की हम इस चैप्टर में बेसिकली गांधी मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे गांधी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट वैसे तो एटीन फिफ्टी सेवन के रिवलूशन से ही स्टार्ट माना जाता है लेकिन इस चैप्टर में हम बेसिकली गांधी मूवमेंट के बारे में ही बात करेंगे तो फर्स्ट जो टॉपिक कि हमारा वो इस चैप्टर में आपका देखने को मिलेगा आपको तो इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर है कि अगर आप वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट्स के बारे में देखें तो सबसे पहले जो हमारी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन दोनों बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी इस टाइम पीरियड पे वाई इकोनॉमिकल सिचुएशन इसलिए ख़राब हो चुकी थी क्योंकि बेसिकली रीज़न क्या था कि बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था जो खर्च ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा था डिफेंस के ऊपर क्योंकि वर्ल्ड वॉर के अंदर वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे तो उनको बहुत ज़्यादा वेपन्स की ज़रूरत थी मनी की भी जरूरत थी वो सारा का सारा वो वॉर में लगा रहे थे जिसकी वजह से इंडिया की जो मनी है वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा ख़त्म हो रही थी टैक्स इंक्रीज़ कर दिए गए थे कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी थी जिससे इंडियंस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे अब टैक्स और कस्टम ड्यूटी इंक्रीज़ होगी तो उसी चीजों के प्राइस बढ़ने लगे प्राइस बढ़ने लगे लेकिन साथ में वो क्या थे इंडियन को फोर्सफुल रिक्रूट भी कर रहे थे क्योंकि उनको सामान के साथ लोग भी चाहिए थे फाइट करने के लिए अब जब यहाँ से लोग फोर्सफुली रिक्रूट किए गए तो यंगर पॉपुलेशन को ही ज्यादा रिक्रूट किया ये यंगर पॉपुलेशन आपकी रूरल एरिया से ली गई रूरल

गांधी 1915 में बेसिकली इंडिया आए थे 1915 से पहले वो साउथ अफ्रीका में थे वहां पर उन्होंने रेसिज्म के खिलाफ बेसिकली फाइट किया था रेसिज्म आपको पता होना चाहिए कि, कि कलर के अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको हम रेसिज्म बोलते हैं सत्याग्रह का मतलब होता है महात्मा गांधी ने इम्फेसाइज किया ट्रूथ की तरफ कि इफ यू आर फाइटिंग फॉर ट्रूथ यू डोंट नीड टू क्रिएट सच का सॉरी वायलेंस कि महात्मा गांधी का मानना था कि अगर आप सच के लिए लड़ रहे हैं तो बेसिकली आपको किसी भी प्रकार का वॉयलेंस जो है क्रिएट करने की जरूरत नहीं है किसी भी फिजिकल फोर्स को आपको इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरत नहीं है अगर आपको बैटल को विन करना है नॉन वायलेंस के जरिए भी आप जीत सकते हैं ये गांधी जी का बिलीव था गांधी जी बिलीव करते थे धम ऑफ नॉन वायलेंस विच यूनाइट ऑल इंडियंस कि उनका मानना था कि जो नॉन वायलेंस है वो पूरे इंडिया को क्या कर सकता है यूनाइट कर सकता है तो ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह है कि जब आप फाइट फाइट फॉर ट्रूथ यू आर फाइटिंग फॉर ट्रूथ यू डोंट सपोज टू क्रिएट दी नॉन वायलेंस सॉरी यू डोंट सपोज टू क्रिएट वायलेंस नॉन वायलेंस इज़ द बेसिक वेपन ऑफ फाइटिंग फॉर ट्रुथ व्हेन यू आर रियली फाइटिंग फॉर ट्रुथ कि जब आप सच के लिए लड़ रहे हैं तो आपको नॉन वायलेंस के जरिए ही लड़ना चाहिए ये गांधी जी का मानना था अब गांधी जी के कुछ मूवमेंट से जो बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि गांधी जी ने 15th में आने के बाद कहाँ कहाँ पर सत्याग्रह मूवमेंट्स के लिए पार्टिसिपेट किया तो सबसे पहले उन्होंने चंपारण में पार्टिसिपेट किया था चंपारण में बेसिकली 1916 में किस लिए पार्टिसिपेट किया कि फोर्सफुल जो प्लांटेशन है उसके अगेंस्ट था आपको पता होना चाहिए किस चीज़ की प्लांटेशन थी वो प्लांटेशन थी आपकी इंडिगो की कि इंडिगो की प्लांटेशन जबरदस्ती करवा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो किसान है वो करना नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी लैंड खराब हो जाती थी फर्टिलिटी लूज हो जाती थी जिसकी वजह से वो जो खाने के लिए जो प्रोडक्शन थी वो भी नहीं कर पा रहे थे लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर भी उन्हें फोर्स कर रही थी सेकेंड मूवमेंट उन्होंने नाइनटीन में खेड़ा में पार्टिसिपेट किया जो हैवी टैक्सेशन के खिलाफ था पूरा का पूरा क्रॉप फेलियर हो गया था फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट

था हैवी टैक्सेशन का प्रॉब्लम था एट नाइनटीन अहमदाबाद किस लिए मिल स्ट्राइकर थी आ, बेसिकली मिनिमम वेजेस और हावर फिक्सेशन के लिए ये स्ट्राइक की गई थी ठीक है उसके बाद एक चीज़ थी रोल टैक्ट आपको पता हो बुक में नहीं है ये मॉन्टी चैम्फोर्ड का 1919 का एक एक्ट आया था जिसके अंदर बहुत सारे रिफॉर्म हुए थे ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये कहीं ना कहीं सही तरीके से थोड़ा सा बहुत लोअर लेवल पे इसी वक्त अच्छे से डेवलप हुआ था जब कांग्रेस पार्टिसिपेट कर सकती थी या इंडियन लीडर पार्टिसिपेट कर सकते थे तो इसके अंदर एक एक्ट था जिसे राउलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था मैंने इसको ब्लैक इसलिए किया है क्योंकि इसको ब्लैक फ्लैग दिखाए गए थे मैं बता दूँ आपको और राउलेट एक्ट क्या था बेसिकली ये गवर्नमेंट को एक इमेनुअ पावर देता था जिस पावर के जरिए गवर्नमेंट क्या कर सकती थी किसी भी पोलिटिकल जो एक्टिविटी थी उसको रिप्रेस कर सकती थी रिप्रेस करने के साथ गवर्नमेंट क्या है उनको विदाउट ट्रायल के टू ईयर के लिए पनिशमेंट कर सकती थी जिस इसके लिए इसको इतना इत, बहुत ज़्यादा गलत माना जा रहा था इसके खिलाफ गांधी जी ने प्रोटेस्ट करवाना स्टार्ट किया सो प्रेस थ्रू द इंपीरियल लेजिस्टेटिव काउंसिल की जो जो इंपीरियल लेजिस्टिव काउंसिल थी यानी ब्रिटिश की काउंसिल थी उसके द्वारा ये पास किया गया था उसके बाद गांधी जी ने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया सिक्स अप्रैल को जिसमें बहुत सारी रैलीज निकाली गई स्ट्राइक्स हुई शॉप्स वगैरह बंद कर दी गई लोकल जो लीडर्स थे उन्होंने बेसिकली बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया बाद में क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोकल लीडर्स को क्या कर लिया पिग मतलब कि जेल में डालना स्टार्ट कर दिया ठीक है जेल में डाल दिया उन लोकल लीडर्स को और गांधी जी के साथ क्या किया कि गांधी जी को बेसिकली uh, बोला गया कि आप जो है दिल्ली के अंदर नहीं आ सकते तो गांधी जी को जो है दिल्ली के अंदर आने से मना कर दिया गया बैन कर दिया गया एंट्री ऑफ uh, गांधी दिल्ली फिर सिक्स अप्रैल को एक पुलिस ने क्या किया बेसिकली जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों पर लाठीचार्ज किया और गुस्से में भीड़ ने क्या किया जो पोस्ट ऑफिस और रेलवेज़ वगैरह पर आग लगा दी जिसकी वजह से गांधी जी ने बेसिकली इस मूवमेंट को रोक दिया ये मूवमेंट नहीं प्रोटेस्ट था बेसिकली इसको बंद कर दिया और पूरे इंडिया में मार्शल लॉ लगा दिया गया मार्शल लॉ क्या होता है कि जब आपके कंट्री में मार्शल लॉ है तो आपकी जो सुप्रीम अथॉरिटी की पावर है वो आपके मिलिट्री के पावर के पास चली जाती है इसी मार्शल लॉ के लगने के बाद एक सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ जो इंडियन हिस्ट्री में बहुत आ, आ, बहुत मतलब उसमें जाना जाता है वो है आपका जलिया वाला बाग मैस्कर किलिंग जलियावाला बाग मैस्कर किलिंग आपकी हुई थी थर्टीन अप्रैल नाइनटीन नाइनटीन को जलिया वाला बाग के अंदर लोग इकट्ठा हुए थे रीजन था सेलिब्रेटिंग द दसाखी बैसाखी को सेलिब्रेट कर रहे थे एज वेल एज कुछ डिस्कशन चल रही थी टेंथ अप्रैल के इंसिडेंट पे और एंड रोल पे पर कोई मैसेज ऐसा कुछ भी नहीं था लेकिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मार्शल लॉ इतने लगा हुआ है और जलियावाला बाग का सिर्फ एक ही गेट था तो सभी लोग तो अपने इन्जॉय कर रहे थे सेलिब्रेट कर रहे थे कुछ लोग डिस्कशन कर रहे थे आराम से पर जनरली अचानक से क्या हुआ कि जो जनरल डायर था वो उसी एक गेट के ऊपर आकर खड़ा हो गया और उसने क्या किया ओपन फायर करवाना स्टार्ट कर दिया वहाँ लोगों के ऊपर अब ओपन फायर में क्या भगदर मच गई जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मरे और गवर्नमेंट तो बल्कि थ्री हंड्रेड लोगों का ही डाटा देती हैं लेकिन कांग्रेस के अदर डाटा से पता लगता है कि थाउजेंड्स ऑफ लोग मरे थे और फिर वन हंड्रेड सॉरी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के करीब जो लोग हैं वो घायल हुए थे इस जो सत्याग्रही हैं उनको बेसिकली लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या था फियर ऑफ़ टेरर क्रिएट करने के लिए ताकि सत्याग्रही डरे और उस तरह से कोई काम ना करे लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज़्यादा जो प्रोटेस्ट हुआ तो गोवर्में गौर्मे, गवर्नमेंट ने उसका जो प्रोटेस्ट था उसका बहुत बुरी तरह से रिस्पॉन्स किया कैसे उनको बहुत बुरी तरह से पढ़ा ब्यू रिप्रेस किया कैसे कि सत्याग्रही को नाक जो नोज है उनके ग्राउंड पर रगड़ने के लिए कहा ये रोल लिख दिया मैंने सॉरी जो यहाँ पर रोल मतलब वो लिखना चाहता था मैं कि जो स्क्रोल करते हैं जो घुटने पर चलाते हैं वो करवाया गया से सल्यूट करवाया गया उनके ऑफिसर्स को तो ये पनिशमेंट्स दी गई थी बहुत बुरी तरह से उनको इंसल्ट करने के लिए और इसीलिए महात्मा गांधी ने ये जो मूवमेंट था रोलटैक वाला उसको वापस बुला लिया था क्योंकि सिर्फ वॉयलेंस की वजह से नेक्स्ट एक और मूवमेंट इसी से कनेक्टेड है खिलाफत मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट बेसिकली क्या था कि वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश ब्रिटेन जीत चुका था और ब्रिटेन ने तुर्की तर्क, का जो एम्पायर है उसको भी जीता था इसके अंदर और तुर्की जो है बेसिकली वहाँ से इस्लामिक का ओरिजिन है और वहाँ का जो खलीफा है जो रि, 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 रिलीजियस रू, रूलर था वो सभी मुसलमान उसको अपना धर्म गुरु मानते हैं तो बेसिकली उसको हटाने की वजह से जो है इस्लामिक लोग परेशान थे तो खिलाफत मूवमेंट क्या आइडिया गांधी अबाउट द मोर ब्रॉडर बेस्ड मूवमेंट कि गांधी जो है बहुत ब्रॉडर में इसके मूवमेंट चलाते थे इसलिए गांधी जी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे इस टाइम पीरियड पे वाज नॉट पॉसिबल विदाउट यूनिटी ऑफ हिंदू और मुस्लिम गांधी जी जानते थे कि इतने अच्छे मूवमेंट्स किस बिना हिंदू और मुस्लिम की जो यूनिटी उसके बिना नहीं चलाए जा सकते इस और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने ऑटोमन एम्पायर में जब डिफीट हुई और ब्रिटेन ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया तो जो ट्रीटीज़ हुई थी उसने कहीं ना कहीं मुस्लिम जो लोग थे इंडिया में उनको बहुत ज़्यादा डिमोलिश किया और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो गए थे और गांधी जी ने इसको सबसे अच्छा अच्छा टाइम समझा और ख़िलाफत कमेटी जो सॉरी मार्च 1919 लिखना था यहाँ पे मैंने 19 लिख दिया है इट्स सपोज टू बी 1919 ये आएगा ठीक है 1919 मार्च को ये की गई थी खिलाफत कमेटी और अली ब्रदर थे मोहम्मद अली और शौकत अली उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक मूवमेंट चलाएंगे इसके खिलाफ और उसमें, उसमें उन्होंने गांधी जी को लीडर करने के लिए कहा क्योंकि गांधी जी तब तक तीन चार मूवमेंट लीड कर चुके थे हम डिस्कस कर चुके हैं और क्वाइट फेमस हो चुके थे तो गांधी जी ने समझा कि जिस अपॉर्चुनिटी का वो इंतजार कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाना है उसके लिए सबसे अच्छा मौका है एक अमरेला के अंदर ले आएंगे और फाइट करेंगे तो इस तरह से कोलकाता सेशन जो हुआ कांग्रेस का नाइनटीन में सेप्टर में उसमें यह डिसाइड किया गया था कि खिलाफत मूवमेंट को लीड किया जाएगा और मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों साथ में मिलकर लीड करेंगे इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थैंक यू हैव नाइस डे प्लीज सब्सक्राइब द चैनल